सर ग्रुप ग्रुप आइए सर कम क्लोज आइए जल्दी और भी रुकिए यहाँ पे लेफ्ट में अपने पीछे 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 भाई बीच में थोड़ा ग्रुप बड़ा है थोड़ा पीछे आ जाओ भाई यहाँ पे तो सामने सर यस ओके मोबाइल कहते हैं छिछोरापन है
लेकिन जाने भी जो यारों भी आपको बिना साउंड के लगेगा यार ये क्या पागलपन हो रहा है, लेकिन उसका वो सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, वो सटायर था जो कि हमारे पुलिस विभाग के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, सरकार के बारे में। अब इसमें क्या है कि सरकार जो अच्छी स्कीम्स बनाती है, क्योंकि देखो पूरी सरकार तो पूरी नहीं होती, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, अभी अरुण जेटली साहब हो या दूसरे ऐसे लोग हो जो एक बजट बनाते हैं या जो भी स्कीम्स बनाते हैं तो सब लोग मिलके बैठ के बनाते हैं। तो यूपी में बहुत अच्छी उन्होंने स्कीम बनाई थी महिलाओं के लिए कि जो प्रताड़ित हो जाए तो उनकी मदद की जाए। तो कैसे उस सरकारी स्कीम को जो अच्छी भावना से बनाई जाती है, जो भ्रष्ट नेता है वो, जो भ्रष्ट पुलिस वाला है वो, जो भ्रष्ट कर्मचारी है वो, डॉक्टर है, तो सब मिलके कैसे वो मुआवजा जो एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए था कैसे बीच में खा जाते हैं। और ये अक्सर ये हुआ है कि मुआवजा जब सरकार किसी किसान के लिए या किसी के लिए भी अनाउंस करती है तो जब वो मुआवजा लेने जाता है तो उसमें से उसको कट देना पड़ता है और वो धड़ल्ले से मांगते हैं। मैंने एक फिल्म की थी धूप, वो असली कहानी पे आधारित है। एक लड़का यंग कैप्टन कारगिल वॉर में मारा गया था, तो सरकार ने उसके पिताजी को एक जमीन का प्लॉट दिया पेट्रोल पंप बनाने के लिए, और उसके पिताजी प्रोफेसर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, अभी भी पढ़ाते हैं, और माता लाइब्रेरियन है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि जी देखिए हमारा एक ही बच्चा था और हम दोनों काम करते हैं, हम प्रोफेसर हैं और वो पढ़ाती हैं मेरी पत्नी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। तो जोर दिया आर्मी वालों ने कि देखिए ये उसकी याद में हम एक जब रिटायर हो जाएंगे तो एक पेट्रोल पंप बना देंगे। तो ठीक है, अब एक तो पेट्रोल पंप के लिए जमीन जो दी गई वो ऐसी जगह दी गई जहां कोई पेट्रोल भरवाने आएगा कैसे, जंगल में। फिर ऊपर से चलो फिर उन्होंने सोचा चलो इस पे काम शुरू करते हैं, तो वहां बिजली चाहिए, वहां पानी चाहिए, वहां अगर कट है सड़क का वो चाहिए, तो जो जो परमिशन चाहिए थी वो जो परमिशन लेने जाए हर आदमी उनसे रिश्वत मांगे, सभी विभाग वाले। और उस फिल्म में ज्यादातर डायलॉग वो हैं जो उसके पिताजी ने बोले हुए जब उन्होंने फिल्म लिखी थी, उनके साथ बैठ के मिलकर लिखी। उन्होंने बेटा जब गया अकेला बेटा, उन्होंने बेटा वॉर पे जा रहे हो, पीठ पे गोली मत खाना, गोली छाती पे खाना, अब दिल जब बाप है। उस आदमी के साथ ऐसा शुरू किया जा रहा है। एक एक ऑफिसर ने तो कहा, इन्होंने बाप ने कहा कि अरे हमने अपना जवान बेटा दिया देश को, बेशर्मी की हद देखो। उसने कहा कि आपने देश को दिया ना, हमें क्या दिया। तो वो तंग आ गए, 5 मिनट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मांगे मीटिंग के लिए, उनको मिल गए, वो फाइल लेके वहां चले गए और मैंने वो पिता की भूमिका निभाई थी उसने, गए और प्राइम मिनिस्टर के आगे फाइल रख दी। तब वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा जी ये मेरा बच्चा शहीद हुआ है कारगिल में और मुझे एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था, ये उसके बारे में ये फाइल है, अगर आप कभी वक्त निकाल के इसको देख लें तो बड़ी खुशी होगी, धन्यवाद कहते हुए चल गया। दरअसल एक्चुअली वाजपेयी साहब ने तुरंत एक्शन लिया था और 14 लोगों को सस्पेंड किया। तो उसी तरह की ये फिल्म है जाने भी जो आरोप आई के मस्ती में ह्यूमर के जरिए जैसे जाने भी जो आरोप में किया गया था, लेकिन
मतलब मुझे अफसोस है कि ये फिल्म 3 साल से पड़ी हुई है, ये बेचारा ये प्रोड्यूसर अपनी जमीन बेच के इसने फिल्म बनाई। ये सच्ची मजाक की बात नहीं, पता नहीं इनको क्या खुजली रहती है। अरे यार जब तुमको पता है कि इस तरह की फिल्में लोग देखने पसंद नहीं करते जब तक वो ना हो, वो बोले चमकते स्टार ना हो, मुझे पता कौन सा खान है जो एक भी खान नहीं, हाँ स्टोरी खान नहीं, सचमुच बहुत मजेदार फिल्म है। और इस तरह की फिल्म को आप लोगों की बहुत जरूरत होती है, वो इसलिए कि ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना कि 2 महीने पहले हम शुरू कर दे दंगल 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 दंगल, अगर खान पक जाए हम कहते हैं भैया अच्छा देख लेंगे, चिल्ला मत, वो पता नहीं 6 महीने से दंगल चल रहा है, तो ये कहां अफोर्ड कर सकते हैं इतना। राम भजन जिंदाबाद, राम भजन जिंदाबाद, राम भजन जिंदाबाद कर सकते हो ऐसा 6 महीने तक, तो दोस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हैं, जो भी काफी कर सकते हैं, आप जरूर लिखें। और आपको इन्हें पूरी फिल्म दिखानी चाहिए, यू नो, गाने इन्होंने देख लिए हैं और जींस भी देख लिए हैं, लेकिन आपने क्या है सिर्फ ये देखा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो ये तो छोटे छोटे कट थे, कहानी आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि कहानी में बस यही चलता रहता है, ये तो इन्होंने जंप कट्स दिखाए हैं। बहरहाल अपना ढंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं, आप जब फिल्म देखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत मजा आएगा, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बेशक इतना नाम ना हो, और कुछ लोग तो खूबसूरत भी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, आए हाय उफ देखिए और से देखिए इन्हें दिल्ली से आई है, अरे अरे मेरी स्मिता पाटिल इधर आ, ये हमारी स्मिता पाटिल है जी, इसका क्या चल रहा है, मतलब मर्दों को इसे तारे दिखा दिए गले में, ये भी पेटे हैं उसमें कांगिया थानेदार, ये भी पेटा है उसमें, और कौन कौन पेटा भाई तो ये सब शान है जी हमारी फिल्म की। और भैया ये सारा पिद्दीसा जो है ये जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे है, बड़े खतरनाक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना जैसे हिटलर और नेपोलियन, लगभग वो शरीफ आदमी थे। तो ये राजपाल यादव ये किसी को बताना मत कि उसका बाप है, मानो या ना मानो, और इसके जलवे फिल्म में भी आ जाना। थैंक यू सो मच श्वेता। मैं आना आगे राजा के आते ही आगे चिल्लाने के लिए राजा, ये तूने प्लांट किया हुआ नहीं मेरे को नहीं, ओपी ने शायद मुझे पहचाना नहीं है, माइक पे तो नहीं बोलना, चलो रेडी बस रेडी बूम निकलो बूम निकलो यार, क्या तुम यार यार एक दूसरे को करते हो साइलेंस, एक दूसरे को बोल कैमरा हां बोल ओके सर, रेडी आपको वायर आ रहा है, चलिए रेडी
ऑर्डर भाई हिला मत कर यार इसको रविंदर रवि रवि अरे यार रवि नहीं दिख रहा है रवि साइलेंस साइलेंस अरे भाई बात करने अंदर चले जाओ ऑडिटोरियम के साइलेंस प्लीज कौन है पीछे जाओ एक दो आदमी पीछे अंदर जाइए ना बात कीजिए देखिए जनाब ये फिल्म है सैटायर ह्यूमर बेस्ड फिल्म है और इसका एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जिसने खुद का अपना पैसा लगा के ये फिल्म बनाई है इसमें आप कहेंगे स्टार कास्ट वो जो बनते हैं स्टार जिनको आप कहते हो कि भाई वो सलमान साहब हैं शाहरुख साहब हैं अमिताभ साहब हैं तो ऐसा कोई भी स्टार इस फिल्म में नहीं है लेकिन सब जो कलाकार हैं वो शिक्षक हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए हैं मैं और नसीर हम दो आदमी आए थे पहले जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे आज कम से कम 200 एक्टर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फिल्मों में काम कर रहे हैं चाहे वो नवाजुद्दीन हो चाहे वो क्या नाम उसका यार अपना इरफान खान हो और बहुत सारे और एक्टर्स यशपाल शर्मा है बहुत हैं और ये झुटू भी वहीं से है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहरहाल कहने का मतलब ये है जब कास्टिंग आजकल जो होती है बड़ी फिल्म की जब हीरोइन हीरोइन तय हो जाते हैं बाकी जो मीठी रोल होते हैं सब उसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए लोग ढूंढे जाते हैं तो आप ये मत समझिए अर्थ सत्य में कोई स्टार नहीं था मैं कोई स्टार नहीं था उसमें ना आक्रोश में मैं स्टार था दोनों फिल्में सुपरहिट थी और बहुत सी विक्की डोनर में कोई स्टार नहीं था तो ये कहना कि सिर्फ स्टारों की फिल्में हिट होती हैं ये गलत भावना है और स्टारों की फिल्में क्या फ्लॉप नहीं होती होती हैं अगर कहानी अच्छी नहीं है फिल्म नहीं अच्छी बनी हुई है तो फ्लॉप होती है और इस तरह की फिल्म जो है खैर बहरहाल मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताता हूँ ये एक सच्चाई पर आधारित फिल्म है हमारी सरकार जो अच्छे मन से अच्छी भावना से मदद करती है लोगों की अच्छी स्कीम बनाती है उस स्कीम को भ्रष्टाचार की वजह से हम कैसे उसको गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने से रोकते हैं भ्रष्टाचार की वजह से और बदकिस्मती से उसमें नेता भी शामिल हो जाता है सभी नेता एक जैसे नहीं है ये बात सही है नेता भी शामिल हो जाता है पुलिस वाला भी हो जाता है और डॉक्टर भी हो जाता है जिसको गवाही देनी होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस हकीकत को इसमें दर्शाया गया है कि कैसे एक महिलाओं के लिए जो यूपी सरकार ने एक प्रावधान बनाया था कि जिसमें उनकी मदद की जाए जो औरतें रेप हो जाती हैं गैंग रेप हो जाता है या रेप हो जाता है तो कैसे उसको तोड़ मरोड़ के फॉल्स रेप केसेस बना के वो पेश करते हैं और कैसे सरकार को उल्लू बनाने की कोशिश करती है ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी पंचायती राज बनाया हुआ है वो पंचायत सरपंच के अधीन पैसा होता है पैसा कलेक्टर के पास पड़ा है कलेक्टर के पास पैसा रहता है सरपंच को जाके ये कहना होता है और ये बताना होता है कि साहब इस पैसे की हमें गांव को किस चीज़ के लिए ज़रूरत है चाहे नाली बननी हो चाहे टॉयलेट बनना हो जो भी चीज़ हो तब वो पैसा रिलीज करता है तो किसान हत्या पे भी जैसे बहुत बड़ा इशू है हिंदुस्तान में सरपंच को जिम्मेदार ठहराना चाहिए सरपंच क्या कर रहा है गांव में सिर्फ पगड़ी पहन के नहीं करना नहीं आप सरपंच हो और गांव ऐसा नहीं होता कि कुछ 50,000 लोगों का गांव होता है गांव छोटा होता है
तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन ऐसा किसान है जो एक दिन में डिसाइड नहीं करता खुदकुशी करना, जब वो मजबूर हो जाता है तब वो खुदकुशी करता है। तो इस तरह से हमारी जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स बनती हैं लेकिन उसमें कितने लूपहोल हो जाते हैं, उसका कैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और कैसे, तो हमारा जो एक नेशनल कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसका पतन होता जा रहा है। जो चरित्र जब आज़ादी के लिए हम सब लड़े थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े थे आज़ादी के वक्त, उस वक़्त जो हमारे मूल्य थे वो मूल्य आज नहीं दिखाई दे रहे। तो बराबर हमारा जो समाज है वो गिरता जा रहा है, बेईमानी लालच ये चीज़ें जो हैं इन्हीं की वजह से गरीब आदमी का भला नहीं हो पा रहा है। ये इस फिल्म का मकसद है कि खुशी से हम एक अच्छी और सही बात लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं पूरे फिल्म का मकसद यही है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है, इसके अलावा मैं और मेरे पास कुछ कहने के लिए। सर सर चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, घूमने घूमने सर, गांधीगिरी के लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी पैदा हो गए, क्या कहना है गांधीगिरी को लेकर? सर लड़ी चुकी है आज कंट्रोवर्सी, उसके पहले से चल रहा था, क्या हुआ? अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए बहुत ही मेहनत है यहाँ तक पहुँचना, ये करीबन 2.5-3 साल लग गया मुझे यहाँ तक। मैंने टीवी में बहुत काम किया है, अभी भी टीवी में कर रहा हूँ, टीवी में मेरा अच्छा खासा नाम है। और एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है 3 साल करना, बहुत एक नया प्रोड्यूसर नए डायरेक्टर, कोई स्टारकास्ट नहीं है इसमें, स्टोरी है हमारी और ओम जी ने पूरी कहानी बताया होगा। राम भजन जिंदाबाद एक रियल स्टोरी है जो यूपी के बेस में है, यूपी बेस उन्नाव एक गांव है जहां पे पूरा बेस है और वहीं से इंस्पायर होकर कहानी है। मैं और विशाल विजय कुमार इस फिल्म का राइटर है, काफ़ी बढ़िया लिखा है, लिरिक्स भी लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। और मैं मिस कर रहा हूँ, आज विशाल नहीं है यहाँ पर, कहीं काम से बाहर है। और ये फिल्म वो 75% हिंदुस्तानियों के लिए डेडिकेट है। राम भजन क्या है ना, राम भजन कोई आदमी नहीं है, राम भजन एक कॉमन मैन का नाम है, सब जैसे चाय वाला रिक्शा वाला गाड़ी वाला बस वाला सबका नाम ये राम भजन बोलते हैं, टैगलाइन हम लोग यूपी में ना राम भजन बोलते हैं भजना। तो राम भजन की जो हालत है ना, जिसकी लाइफ की पूरी कहानी है, ओम जी ने पूरी कहानी बताया होगा आपको। और ये फिल्म दिसंबर में रिलीज़ है और दिवाली के बाद हम ट्रेलर लॉन्च भी करेंगे। अभी फिलहाल म्यूज़िक है, ऑल एड्स म्यूज़िक। ये फिल्म ना ये फिल्म के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म जब मैं ओम जी को कहानी सुनाया तो ओम जी ने कहा कि यार मैं अभी ऐसा फिल्म नहीं मैं करता हूँ, ये अर्थ सत्य ये सब किया था एक टाइम पे, जानो भी तो यारो अब इस लेवल पे काम नहीं करता हूँ, मेरे लिए लंबे लंबे शॉट दे नहीं मैं सकता हूँ। तो मैंने कैसे उन्हें कन्विंस किया, जाके उनके घर पे जाके कन्विंस किया कि सर हम लॉन्ग शॉट लेंगे, लंबे लंबे शॉट लेंगे, ये फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और एक रूलर गांव में शूट करना, लखनऊ से 60-75 किलोमीटर अंदर गांव में शूट किए फिल्म, जहां पे लेके जाना ओम जी के लिए बाकी एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट था। वहाँ पे वैनिटी वैन भी नहीं था हमारे पास, हम लोग ना डे लाइट में शूट करते थे, नाइट में लैम्प पे शूट हम लोग वहाँ पे करते थे। नरेंद्र गेडिया डीओपी कमाल का काम उन्होंने किया, रियल लोकेशन पे किए। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम लोग शूट करते करते ना ओम जी को शॉट में दे रहा हूँ, ओम जी ये शॉट है, ओम जी गिर गए। यार गिर के क्या हो गया, मुझे टेंशन में आ गया, मेरे क्या हुआ, पूरा फीवर ईवर और उनको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। रात तो रात हॉस्पिटल लेके हम गए, पूरा शिवरिंग कर रहे थे, 6-6 कंबल उनको मैं दिया था ओम जी को, लखनऊ में अभी लखनऊ में था, पूरा हॉस्पिटल में लेके गए उनको, वो कांप रहा है और मुझे दिख रहा है कि बॉस अब हम शूट नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हम कर पाएंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओम जी के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। और शूटिंग का 10 दिन बाकी था, तो फिर मैं बाहर बैठा था, रात भर बैठा बाहर, बहुत सोचा कि शायद अभी कल सुबह के क्या, मेरे असिस्टेंट फ़ोन मुझे कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बोल रंजीत जी क्या करूँ, मैं बोला रुको एक बार ओम जी को होश एक बार आने दो। सुबह 5-6 बजे ओम जी ने मुझे बुलाया अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा होश आया था, बोला क्या कर रहा है आज क्या करेगा, मैंने कहा सर कुछ नहीं करेंगे इन्जॉय करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है तेरा क्या, तेरा शक्ल देख रहा हूँ मैं, अभी भी आप मेरा शक्ल देख रहे हो, सिचुएशन में कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा है सर,
कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक बार यूनिट पैकअप होकर बम्बई आया है ना, अब ये फिल्म बनेगी नहीं। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं कर सकते, आज मैंने मैनेज कर ले, कल मैं आता हूँ सर। और ही मतलब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ इस बंदे को, कल एक दिन गैप किया, नेक्स्ट सेट किया, बीमार था, दवाई खा रहा था, डॉक्टर था साथ में, फिर भी उन्होंने शूट किया। क्योंकि बोला यार ये फिल्म मैंने अभी बहुत सारे छोटे छोटे फिल्म्स में कर रहा हूँ बीच में, पर ये फिल्म ना मेरे मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये फिल्म शायद मुझे बूस्ट करेगी। उनको एक विकी डोनर का जो अनु कपूर जी का जो रोल है, पहले ओम जी को मिला था, ओम जी को रोल मिला, ओम जी ने देखा यार क्या ये डोनर का डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, बड़ा अजीब सा है, उन्होंने किया नहीं रोल। और ये बाद में अनु कपूर जी को मिला रोल, तो उन्होंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे फिल्म छोड़ा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म छोड़ना नहीं चाहिए, मैं करूँगा तेरा फिल्म। और उन्होंने फिल्म किया, कम्प्लीट किया, आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। दिस इज मी। आपने कब सोचा क्या मैं जब आपने लिखा गया या देखा गया क्या मुझे यही ओमपुरी जी को कास्ट करना चाहिए या और किसी को कास्ट करना चाहिए? ये फिल्म में, ये फिल्म में पहले मैं स्टार को लेकर सोचा ही नहीं, मैंने इस फिल्म को पहले कैरेक्टर डेवलप किया, क्योंकि मैं एक आदमी से मिल रहा था, उन्नाव में एक फैमिली है जो इस कहानी से पीड़ित है, उसी पे है, उस फैमिली का नाम नहीं लूँगा, मना किया मैंने, उस कहानी से पीड़ित है, उस फैमिली से मिला, मुझे इस फैमिली के कैरेक्टर चाहिए था, और वो कैरेक्टर को लेके फिर मैंने सारा, और मुझे चाहिए था कि बस मुझे एक्टर नहीं, मुझे एक्टर चाहिए था, वो स्टार नहीं चाहिए था। तो मुझे एक ही दिखा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से उठाया जाए, वहाँ से लाया जाए। अभय जोशी राम भजन के रोल किया, हाड़ू रोल किया, कमाल का बंदा किया काम, मतलब ओम पुरी कुलभूषण जी को आप पहली बार एक कॉमेडी कैरेक्टर में देखेंगे, जो शाकाल का रोल किया हुआ बंदा, कॉमेडी अभी तक कभी किया नहीं है, इसमें कॉमेडी रोल करते हुए देखेंगे उन जी को। राम सेठी साहब, जगदीप साहब का कमाल का काम है, वो उन्होंने कहा मुझे कि देख यार मैं सुबह 9 से लेके 5 बजे तक सेट पर रहूँगा, उसके बाद सेट पर रहूँगा नहीं, बोले क्यों, क्योंकि रात में 5 बजे बाद तो दिखता नहीं है, और लखनऊ में लेके जाना उनके लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, और रूरल गाँव में, और उनके सारा सीन नाइट में ही है, डे में है ही नहीं। तो मैंने कहा सर आप आ जाओ सेट पे, सेट पे आया और सुबह से बैठा कर रखा, 3 बजे वो बाहर आया और मुझे चिल्लाने लगा क्या कर रहा है तू, मेरा काम नहीं कर रहा है, पता है 3 बजे बाद मेरा हालत ख़राब हो जाता है। मैंने उनको बोला सर आपका सीन नाइट में ही है, तो वो फेडअप हो गया, बहुत चिल्लाया मेरे पे, लेकिन फिर बाद में 2 घंटे के बाद मुझे बुलाया, गले वले मिला और बोला मैं करूँगा तेरे लिए, और इसने कमाल का रोल किया, स्पेशल अपेरेंस से कमाल का रोल है जगदीप साहब। तो ये सब कैरेक्टर्स था ये फिल्म, ये फिल्म कोई आइटम फिल्म नहीं है, इसमें कुछ आइटम मुझे दिखाना नहीं था, जो रूरल एरिया में सिचुएशन होता है वही कैरेक्टर्स वही चीज़ें दिखाया इसमें। देखा जाए तो सब लेजेंडरी एक्टर हैं इसमें, कुलभूषण जी, ओमपुरी जी, जगदीप जी, कुल जी की अभी कुल जी आते हैं पर आज वो नहीं आ पाए, उनका आज दिल्ली में प्ले है। आप बिलीव करेंगे एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए, मैं 3 साल मेरा फिल्म अभी तक रिलीज, अब रिलीज हो रहा है, 3 साल में सभी एक्टर ने फ़ोन मुझे किया, ओमपुरी ओम जी का हफ्ता में एक दिन फ़ोन आता ही है, किधर है मैं सर शूट पे, अरे सेट घर पे आ, मतलब वो बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, कुल जी करते हैं फ़ोन, जगदीप साहब तो एवरी डे एक दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज आता ही है मेरे पास, मतलब इस तरह से हम लोग फैमिली है उनके, मतलब एक शूट के बाद हम लोग बन गए उनके साथ, वो टच वुड ऐसा ही हमारा साथ रहे। ये चीज़ें ना मैंने इम्तियाज़ अली के साथ असिस्ट किया है, मेरी स्कूल वहीं से हुई है, और मैं पढ़ा हूँ फिल्म मेकिंग के कोर्स करके आया, वैसे नहीं असिस्ट करके नहीं आया, मैंने बाकायदा डिप्लोमा करके आया हूँ। मुझे पता है, मैंने देखा है, एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए ऐसे स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है, स्टार कास्ट से बेटर, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो, नहीं तो बड़े स्टार कास्ट से बना लो, बड़े लोग होते हैं। पर मैं थोड़ा सा कोई बाहर, मुझे किसी इंग्लिश फिल्म से कॉपी नहीं करना है, मैं बहुत हिंदुस्तान में इतने सारे स्टोरी हैं ना बॉस, लोग जाके ऑस्कर लेके आते हैं, हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं यहाँ के स्टोरी लेके ऑस्कर वो लोग लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लेके लेंगे, यहाँ पे है वो स्टोरी, और मैं यहीं से निकालूंगा, यहीं से फिल्म मैं बनाऊँगा, मैं बाहर की फिल्म कॉपी नहीं करूँगा। और मैं दो फिल्म और मेरे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग इस पर बैठेंगे, सब ओरिजिनल है, और एक दिन बरवाले के नाम से जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। खालिद भाई
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ब्रदर हैं, उनके बारे में खालिद किदवई साहब को क्या बोलूँ, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मौसिमा किदवई जी का नाम सुने होंगे आप, उनके बारे में लखनऊ में जब मैं सेट पे गया, जब हम लोग शूट करने एक गाँव में लेके गए, उनका गाँव था ये, बोला रंजीत जी एक वारिश में एक डायलॉग है हमें स्मिता पाटिल जी का और राजकिरण साहब का कि जहाँ तक नज़र जाता है वहाँ तक अपना घर। तो खालिद और रंजीत यहाँ जहाँ तक देख रहे हैं वो अपना ही है, आप कहीं भी जाओ करो शूट। तो लोकेशन में लखनऊ में शूटिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं बिकॉज ऑफ हिम। और बहुत स्वीट बंदा है वो, बहुत अच्छा बंदा है वो, मतलब हम लोग, मैं कभी ऐसा लगा मुझे मेरा ही वो प्रोड्यूसर है, एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में हम लोग ने काम किया। सर व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही मैं बोलूँगा बॉस, बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, छोटी छोटी फिल्म देखा करो और इनसे कुछ सीखो, एक मैसेज होता है और बहुत सारे लोगों की दुआ और मेहनत इसमें है। प्लीज़ देखिए राम भजन जिंदाबाद और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने भी पहली बार झलकियाँ देखी हैं, इससे पहले मैंने डबिंग पे जो देखा था उसकी मुझे मेमोरीज अच्छे से याद नहीं है। अभी तो अभी सिर्फ प्रोमो देखा है, पिक्चर बाकी है और पिक्चर में हम सब ने काम किया तो हमें पता है एग्जैक्टली पिक्चर में क्या है, मगर मैं भी पिक्चर जल्दी देखना चाहूँगी। मतलब मैंने अपने डायरेक्टर को काफ़ी बार बोला है कि मेरे को स्क्रीनिंग देखनी है, मुझे जल्दी स्क्रीनिंग देखनी है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पिक्चर को लेके। हमने इस पिक्चर के लिए काफ़ी वेट किया है, काफ़ी लंबे टाइम वेट किया है, एक छोटे बजट की फिल्म है, इस पिक्चर को रिलीज़ होने के लिए देरी नहीं हुई, एक्चुअली इस पिक्चर को कम्प्लीट होने के लिए देरी हुई, बिकॉज जब एक छोटी फिल्म होती है तो पैसे सारे एक लमसम में, एक पर्टिकुलर पैसा किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, तो जिस दिन ज़मीन का टोकन आया उस दिन फिल्म शुरू हुई, जिस दिन ज़मीन बिकी उसका 50% पैसा आया फिल्म में और पैसा गया, और जब तक ज़मीन बिकी तो फिल्म में और पैसा लगा, तो धीरे 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 ये पिक्चर कंप्लीट हुई। जैसे धीरे 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 हमारे प्रोड्यूसर के पास और बाकी सब लोगों का पैसा आया, सब ने काफ़ी इनपुट दिया है, फिज़िकल मेंटल कमर्शियल सारा इनपुट, सारी स्टार कास्ट ने बहुत सपोर्ट किया है इस पिक्चर को। आई होप आप सब भी इस पिक्चर को सपोर्ट करें और सबको ये पिक्चर पसंद आए, और स्पेशली हम उस गांव में वापस जा पाए जहां पे हमने शूटिंग करी थी और लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू। आपके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहिए? मैं किरदार प्ले करती हूँ दिल्ली रानी, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है कि वो एक बच्चा है जो गुम गया है और जो रेलवे स्टेशन पे पैदा होता है और बड़ा होता है, कभी शायद भीख मांगता है, कभी कुछ बेच के कुछ खरीदने की कोशिश करता है अपना खाना कपड़ा, और कैसे भी स्टेशन पे रहता है। जो वो एक बड़ा इंसान और पावरफुल इंसान दिखता है वो होता है वो एक मिनिस्टर, जो चार गनमैन के साथ ट्रेन से उतरता है और उसके पास हमेशा बॉडीगार्ड होते हैं। उसको देख के उस लड़की को हमेशा लगता है कि ये इंसान है जो जिसके पास पावर है, ये इंसान किसी के सर पे हाथ रख दे तो उसका किस्मत बदल सकती है। वो यही सोचती है, उसे लगता है कि ये इंसान अगर मुझे मिल जाए या ऐसे लोगों के साथ अगर मेरा उठना बैठना हो जाए तो मैं भी आगे पहुंच सकती हूँ, मैं भी आगे कुछ बन सकती हूँ, मेरे पास भी ये पावर हो सकती है, यही उसकी थिंकिंग है। और वो यही सोच के सब लोगों के साथ बना के रखती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक दिन इनमें से किसी का भी हाथ उसके सर पर पड़ गया तो उसको भी टिकट मिल जाएगी, वो भी मिनिस्टर बन जाएगी, उसके पास भी ये पावर आ जाएगी। अभी तो दिल्ली रानी है, उसके सिवाय मेरी एक और फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, 6X जो नवंबर में रिलीज़ होने वाली है, उसमें 6 कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी मेरी है, एंड दैट्स इट फॉर दिस ईयर। मेरी जितनी भी सीनियर स्टार कास्ट है उसके साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया, सब लोग बहुत ही फनी और सपोर्टिव हैं। ये पिक्चर इस पिक्चर में जितने भी लोग हैं, स्पेशली जितने भी लोग सीनियर कास्ट है हमारी, वो उन सब की एनर्जी हम सबसे बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें से कोई भी इंसान को मैंने कभी शॉर्ट पे पावर नैप लेते हुए भी नहीं देखा होगा। सब लोगों की एनर्जी शाम को 6 बजे 7 बजे तक, जब तक हमारी शूटिंग चलती थी, हमेशा टॉप पे रहती थी और हम सबको बहुत मज़ा आया काम करके इकट्ठे। और सब लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, अपने पास्ट की स्टोरी सुनाई, अपने करियर की स्टोरी सुनाई, तो उन सब चीज़ों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो एक्चुअली ये इंडस्ट्री में सिर्फ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है मगर स्ट्रगल बहुत कम है। Thank you.